नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार साथी शेख इमरान। आप देख रहे हैं द न्यूज नेटवर्क। देखिए यह बड़ी खबर। बड़ी खबर है गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर से, जहां नाबालिग लड़की को बुरी नीयत से सुनसान जगह ले जाने वाले आरोपी को फिंगेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो यह बड़ी कार्रवाई फिंगेश्वर पुलिस ने की है। तो ये बड़ी खबर आपको गरियाबंद जिले से बता रहे हैं, जहां फिंगेश्वर पुलिस ने नाबालिग लड़की को बुरी नीयत से सुनसान जगह ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। नाबालिग के चरित्र को बदनाम करने का कर रहा था कोशिश। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की दी थी धमकी। तो यह बड़ी खबर फिंगेश्वर थाना क्षेत्र से आपको बता रहे हैं। आरोपी प्रदीप साहू बासिंग निवासी को गिरफ्तार किया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फिंगेश्वर से, जहां पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो नाबालिग लड़की को बुरी नीयत से लज्जा भंग करने के इरादे से झूठ बोलकर सुनसान जगह ले गया था। और यह बड़ी कार्रवाई जिले के पुलिस अधीक्षक जे आर ठाकुर के निर्देश पर की गई है। फिंगेश्वर पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी को 24 घंटे के अंदर पकड़ने सफलता मिली है। मामले में आरोपी द्वारा नाबालिग लड़की को बुरी नीयत से छेड़खानी करते हुए पीड़िता की लज्जा भंग करने की नीयत से 23 जून 2022 के शाम करीबन 7 बजे गांव के सुनसान स्थान पर ले जाकर पीड़िता के हाथ बांह को पकड़कर खींच रहा था। तब पीड़िता ने मना की, लेकिन आरोपी द्वारा घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट कर चोट पहुंचाया है। घटना को लेकर महिला द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को फिंगेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रीता के अनुसार वह अपने बड़ी बहन के साथ अपने घर में अकेली थी। माता पिता गांव से बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर उक्त आरोपी प्रदीप साहू ने मौका पाकर पीड़िता के साथ बुरी नीयत से सुनसान जगह ले जाकर छेड़खानी किया। बहरहाल फिंगेश्वर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। फिलहाल मुझे शेख इमरान, कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाजत और क्षेत्र खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज नेटवर्क।